आज का जो एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं, ये एक्सरसाइज इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच के लिए कॉमन है। जो क्वेश्चन है हम लोग का, इस्तेमाल में ना आने वाले सेल डैश का कारण बनते हैं, सल्फेशन का कारण बनते हैं। एक सेल की क्षमता डैश में अभिव्यक्त की जाती है, एम्पियर आवर में। लेड एसिड सेल पॉजिटिव प्लेट डैश से निर्मित होते हैं, निकिल हाइड्रोक्साइड। सायरन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना है? 800 हर्ट्ज। बैटरी ट्रिकल चार्जिंग की दर क्या है? सामान्य दर से 2 से 3%। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पूरी तरह आवेशित बैटरी अपना चार्ज डैश में खो देगी 90 दिन अर्थात 3 महीने में। सेल को आवेशित करते समय तापमान डैश विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये होगा 43 डिग्री। ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत कम परिमाण का होता है तथा इसमें डैश द्वारा प्राइमरी वोल्टेज में पिछड़ती है, तो 90 डिग्री से। ट्रांसफार्मर में लेमिनेटिंग सामग्री डैश मिश्र धातु की होती है, 3% सिलिकॉन तथा 97% आयरन। ट्रांसफार्मर में बड़े रिसाव फ्लक्स के कारण डैश होते हैं, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में लोड रहित करंट अत्यधिक न्यूनतम है जिसमें डैश होता है, तो तांबे का नगण्य लॉस। ट्रांसफार्मर बीदर एक्सप्लोजर वेंट डायफ्राम डैश के साथ जुटे होते हैं, कांच के साथ। आरएमएस मान है औसत मान बाई 1.11। ट्रांसफार्मर अनुपात के क्या होता है? तो ES बाई EP इजकल टू VS बाई VP इजकल टू NS बाई NP। पारगम्यता परमेबिलिटी म्यू होता है H/B। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी इम्पीडेंस द्वारा दी गई है, Z इजकल टू R² + X² L√। ट्रांसफार्मर की अधिकतम कार्य क्षमता तब होती है जब आयरन लॉस बराबर है तथा कॉपर लॉस के कारण। नो लोड परीक्षण डैश को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। आयरन लॉस प्रयोग में सामान्य किस्म के विद्युत रोधी इंसुलेटर हैं 5। ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्ट सेट में डैश निर्मित सेल निहित होते हैं, ग्लास। ट्रांसफार्मर ऑयल के निष्पादन का निर्धारण करने के लिए औद्योगिक तौर पर किए जाने वाला ऑयल टेस्ट की संख्या है 4। ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्ट वोल्टेज की विभिन्नता हो जाती है 0 से 60 kVA। नए फिल्टर नहीं किए हुए ट्रांसफार्मर ऑयल की वैद्युतिक शक्ति ब्रेकडाउन वोल्टेज डैश है 30 kVA। ट्रांसफार्मर ऑयल का 0.2 अम्लीय मार्ग एसिडिक वैल्यू डैश रंग दर्शाता है हरा। ऑटो ट्रांसफार्मर मुख्यतः डैश के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो रिड्यूस वोल्टेज मोटर स्टार्टर्स के लिए। इस सिलिका जेल का रंग डैश होता है तो ब्लू, कहीं कहीं पर गुलाबी भी होता है। नमी से तेल संदूषण को कम करने के लिए उपलब्ध विधियां क्या है? तो 4। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज विनियमन है क्या है? तो ए V2 - V2/V2×100। 3 फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को जोड़ने के लिए संभावित तरीके है 4 तरह से।
ट्रांसफार्मर कोर को जोड़ने के पश्चात प्रयुक्त टेस्ट वोल्टता होती है 1 kVA। एक बुल्च के रिले के 2 फ्लोर A तथा B हैं। फ्लोट ए का प्रकार डैश को प्रचालित करता है, बेल अलार्म सर्किट को। निर्माण के अनुसार सब स्टेशनों के प्रकार डैश में वर्गीकृत किए हुए होते हैं। 4, वितरण सब स्टेशन वोल्टेज को आपूर्ति विद्युत पावर लाइन है, कितना है 11 kVA। पोल माउंटिंग सब स्टेशन का प्रयोग सामान्यतः डैश तक के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है 200 kVA। सामान्य प्रयोग में सर्किट ब्रेकर के प्रकार हैं डैश, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6। OCB को खोलकर लिखने पर वह डैश होगा, अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ऑयल सर्किट ब्रेकर। 11 kVA सप्लाई एक गैंग आइसोलेटर के माध्यम से जोड़ी गई है, जिसे डैश तौर पर जाना जाता है। तो AB स्विच, MCB का विस्तृत रूप है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, कहीं कहीं पर मिनीरेचर सर्किट ब्रेकर भी होता है। डैश का निर्धारित लोड पर काम करने की स्थिति में सब स्टेशन स्थापित किए जाते हैं 100 kVA। TPIC स्विच डैश पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं 415 वोल्ट। तड़ित निरोधक में 2.4 mm व्यास के लेड पेरोक्साइड की परत वाले छरे होते हैं, जो डैश के कॉलम में क्रमबद्ध है 11.3 cm व्यास। यदि तापमान डैश से अधिक हो जाए तो प्रपंटिका एक विद्युत रोधक के रूप में कार्य करता है 150 डिग्री। श्रृंग अंतराल निरोधक कम अच्छे हैं, चूंकि वह डैश के लिए प्रवृत्त है संरक्षण कोरोजन के लिए। तड़ित निरोधक डैश से उठने वाली अधिक वोल्टेज को विपतित करते थे। लाइन टू अर्थ, लेड सेल में प्रयुक्त होने वाला डाइलेक्ट्रिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4। ELCB डैश के द्वारा रप्चरिंग क्षमताएं प्रदान करता है 5 MVA से 31 MVA तक। पूर्णतः आवेशित बैटरी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है 1.28। निकिल आयरन सेल की पॉजिटिव प्लेट डैश से बनी होती है, NiOH4 से। सिंगल केबल बिछाने के लिए ट्रेंच की न्यूनतम चौड़ाई डैश होनी चाहिए 35 cm। ओवरचार्ज होने तथा डिस्चार्ज के कारण बैटरी में प्लेटों का मुड़ना क्या कहलाता है, बकलिंग। अगले क्लास में हम लोग दूसरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, जिससे इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।